नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे हम अपने मोबाइल से ही अपने खेत को नाप सकते हैं। खेत को नापने के लिए हम विभिन्न इकाइयों की सहायता लेंगे, जैसे कि हेक्टर हुआ, हेक्टर में भी हम नाप सकते हैं उसको, वर्ग मीटर में भी नाप सकते हैं और एकड़ के हिसाब से भी हम नाप सकते हैं, जो कि एक सामान्यतः भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त इकाइयाँ हैं खेत को नापने के लिए। खेत हो या आपका कोई प्लाट हो, इसको हम कैसे हम अपने मोबाइल से ही नाप सकते हैं, इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमें एग्जैक्ट तो पता होता नहीं कि हमारा खेत कितना एकड़ है, कितने डिसमिल है, तो हम एक अंदाज़ा एक लगा सकते हैं कि हमें हमारा जो खेत है वो एक एकड़ है, तो हमें उस पर कितने प्लांट लगाने होंगे, कितनी बेड बनेगी, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, ये हम अपने मोबाइल से ही आज जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम प्ले स्टोर पर जाना होगा। प्ले स्टोर पर जाने के बाद हम फील्ड एरिया मेजर को सर्च करेंगे, एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। मैंने पहले से डाउनलोड किए हुए, इसलिए मैं सिंपल ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद हम खेत पर खड़े होंगे और एरिया को सिलेक्ट करेंगे। जहाँ खड़े हुए वहाँ पर पॉइंट बनाकर हम चलना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, खेत का जो कोना होता है वहाँ पर जाकर हमें एक बार क्लिक करनी होगी ताकि वहाँ पर निशान बन सके और फिर मुड़ना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक भाई हमारा वो घूम रहा है मोबाइल लेकर। हर कोने पर जाकर हमें एक बार मार्क करना होगा और जिस जगह से हमें स्टार्ट किए हैं चलना, उसी जगह पर जाकर हमें समाप्त करना होगा। दोस्तों, आप इस एप्लीकेशन की मदद से अपने बेड की लंबाई, अपने खेत की चारों जो आपकी परिधि है, सीमा है, उसे आप नाप सकते हैं और खेत की तारबंदी करने के लिए या फेंसिंग करने के लिए आप एक मेज़रमेंट निकाल सकते हैं कि हमें कितने फीट लंबी तार लगेगी या जाली लगेगी, ताकि आप उसका निश्चित एक अनुमान लगा सकें कि हमें कितने रुपए का खर्च आएगा। और आप ड्रिप लाइन भी नाप सकते हैं उस पर कि आप बेड बना लें, बेड बनाने के बाद आप खेत की लंबाई निकाल लें। लंबाई निकालने के बाद जैसे ही लंबाई निकालेंगे, आपको पता चली जाएगी कि आपके बेड की लंबाई कितनी है और आपके खेत पर कितनी बेड बन सकती हैं। जैसे आप 5 फीट लेते हैं रो टू रो, उसके हिसाब से आप एक मेज़रमेंट निकाल सकते हैं कि हमारे खेत की चौड़ाई इतनी है तो हमें इतनी बेड लगेंगी और बेड की लंबाई इतनी है तो हमें इतने फिट लंबी जो है ड्रिप लाइन लगेगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं भाई घूम रहा है। अभी तिकोने पर, तीसरे नंबर पर कोने पर पहुंचा है, इसलिए त्रिभुज बता रहा है हमें। जैसे ही हम चौथे नंबर पर, यानी कि जहां से हमें स्टार्ट किए हुए हैं वहां पर पहुंचते हैं, तो हमारा ये चतुर्भुज कंप्लीट हो जाएगा और हमें खेत का हमारे क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। दोस्तों, आप इसकी मदद से डिस्टेंस भी नाप सकते हैं। आप एरिया की जगह पर डिस्टेंस सेलेक्ट करेंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, आपको यानी कि लंबाई मिल जाएगी। ये देखिए, आप जहाँ से स्टार्ट हमने किए थे वहीं पर जैसे ही समाप्त होता है तो हमारा ये चतुर्भुज बन जाता है और हमें ये दिखाई देता है। आप देख सकते हैं इस पर एरिया जो है 0.368 हेक्टर है, यानी कि एक एकड़ से कम है। जैसे कि देखा आपने कि हमने अपने मोबाइल की सहायता से कैसे अपने खेत को नापा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। जय हिंद दोस्तों।